देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सियासी पैंतरेबाजी जारी है। एक ओर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में भी एकता नजर आने लगी है। इसी बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद के एक ट्वीट ने राज्य के साथ ही देश में सियासी हलचलों को बढ़ा दिया है। संजय निषाद ने ट्वीट किया कि निषाद पार्टी लोकसभा की 37 सीटों पर लड़ने को तैयार है, हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर संजय निषाद का दावा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन सभी 80 सीट जीतेगा। उन्होंने इसके लिए 37 सीट पर निषाद पार्टी की अहम भूमिका निभाने का दावा किया है और कहा कि 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को हमारा संगठन तैयार है। इतनी सीटों पर तो हम बूथ लेवल तक पकड़ रखते हैं, अन्य जिलों में भी ब्लॉक लेवल तक हमारी सक्रियता है। लोकसभा हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। संजय निषाद के मुताबिक भाजपा 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर हारी थी वो सभी हमें दे दें, हम उन्हें जीत कर दिखा देंगे। इस ट्वीट में संजय निषाद ने गुरुवार को सूबे के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें ट्वीट की। राजनीति के कई जानकारों की माने तो ब्रजेश पाठक और संजय निषाद की मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ आने के बाद निषाद पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रही है। अब राज्य में बीजेपी गठबंधन के साथ तीन दल हो गए हैं, बीजेपी के अलावा सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी है। बता दें कि दिल्ली में एनडीए की बैठक में कुल 38 दल शामिल हुए थे, जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में 26 दल शामिल रहे। बताते चलें कि डॉक्टर संजय निषाद के इस प्रेशर पॉलिटिक्स की बड़ी वजह सुभाषपा की क्षेत्र में अपने वोट बैंक में मजबूत पकड़ है। दर्जन भर से ज्यादा जिलों में वो अपनी जाति के वोटों को एकजुट करने में इतने कामयाब रहे हैं कि वो किसी भी विपक्षी खेमे का खेल बिगाड़ सकते हैं। साल 2024 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को उन क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा था जहां सुभाषपा की पकड़ मजबूत थी। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां राजभर और निषाद दोनों वोटरों की संख्या ज्यादा है और टिकट की दावेदारी दोनों पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में संजय निषाद का ये ट्वीट साफ जाहिर करता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसका ऐलान उन्होंने अपने एक ट्वीट से कर दिया है।